चढ़ी गया तुम ये बोले आप मेरे को माल बोल रहे चुप रहे कितने साले पड़े हो गए हैं यहाँ पे चक्की काट के मुंह में खिला दूंगी मोड़ी के बर्ती पर लाग नमस्कार। आपने बहुत सारे बीमारियों के नाम सुने होंगे, जैसा कि कोरोना, उनके पेशेंट्स भी देखे होंगे, जैसा कि कैंसर, जैसे कि एड्स। लेकिन इनसे भी ज्यादा खतरनाक बीमारियां अभी मार्केट में उपलब्ध है, और इस बीमारी के फैलने की जो तीव्रता है वो बाकी के बीमारियों से कई ज्यादा गुना तेज है। अगर मैं इसके स्पीड को कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो उसके लिए मुझे ऑयलर्स इक्वेशन यूज़ करना पड़ेगा। अगर ऑयलर्स इक्वेशन को यूज़ करके मैं इसकी तीव्रता को नापूंगा तो मुझे करीब करीब जो ध्वनि की तीव्रता होती है उसे 4 गुना ज़्यादा मिलती है। और ये जो बीमारी है ना वो बाकी बीमारियों की तरह नहीं है। बाकी जो बीमारी है ना उनसे जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो बच जाते हैं। मेनली ये देखा जाता है कि वो बीमारियाँ उन्हीं को होती हैं जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन इस बीमारी की जो विषाणु है वो उन लोगों को ज़्यादा जल्दी संक्रमित करते हैं जो लोग खुद को ज़्यादा एजुकेटेड समझते हैं। ये जो वोक वायरस है वो आपको साउथ बॉम्बे या साउथ दिल्ली की लड़कियों में ज़्यादा पाया जाता है। और वीडियो की शुरुआत में जो आपने क्लिप देखा जिसमें एक महिला सिक्योरिटी गार्ड्स को गालियां दे रही है, बहुत भद्दे तरीके से आपत्तिजनक शब्द कह रही है, वो महिला दरअसल इसी बीमारी से पीड़ित है, वोकिज्म। और उसके कपड़ों से, उसके कार से, हर जगह से वोक वायरस के निशान मिले हैं। ये जो वोकिज्म नाम की बीमारी से पीड़ित महिला है इनका नाम है भव्या राय, और ये रहने वाली है नोएडा की। इनका जो प्रोफेशन है वो है एडवोकेट। ये वकालत करती हैं। ये जो वोक नाम का वायरस है जो इनके अंदर घुस गया जिसके कारण इनको वोकिज्म नाम की बीमारी हो गई, लगता है कि इस बीमारी का जो संक्रमण है ये वोक वायरस इनको साउथ दिल्ली की वो जो लावण्या थी ना उससे आया था। वैसे तो इस पूरे वीडियो का जो सेंसर्ड वर्जन है वो मैं आपको यूट्यूब पे दिखा रहा हूँ, क्योंकि अनसेंसर्ड वर्जन अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो ये वीडियो यूट्यूब डिलीट कर देगा। इस पूरे वीडियो का जो अनएडिटेड पार्ट है वो मैं अपने इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड कर दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग जाके चेकआउट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि इस महिला का क्या कहना है लड़कों के ऊपर और इस सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर। बात अलग होती है, आप इज्जत कर रही हैं, आपके भी चढ़ी गया और तुम भी इज्जत कर रही हैं, तुम इज्जत करते हो। लड़की हुई जो आई हुई है जिसकी 3 साल का पूरा केस है मैडम, और तू बोलेगा ये बोलेगा मेरे को माल। मैं आपको बोल रहा हूँ इसको पहुँच चुप रहे आओ चुप रहे आप इसको बाकी बोल रहे चुप रहे शांति में रहती हूँ शांति में जाती हूँ। तुम लोग को लगता है ना कि इतने साले बड़े हो गए हैं यहाँ पे बैन सिक्योरिटी लग के साले की सारे सबकी काट के मुंह में खिला दूंगी मोड़ी के प्लीज अपना अपना वर्क साले खाल छोड़ दूंगी इस मार कितने तिहारी है यार को संभालो। आप पहले एफएमसी में कंप्लेंट करना। 25 लड़कियां आ रही हैं। अब इस महिला ने ऐसा किया क्यों, चलिए ये भी जानते हैं। इस न्यूज आर्टिकल में आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ये जो महिला है भव्या राय, जब भी अपने फ्लैट से बिल्डिंग के कंपाउंड से बाहर निकलनी थी अपने कार में बैठकर, तो उस टाइम पे जो सिक्योरिटी गार्ड था उसको गेट खोलने में लेट हो गया। तो कुछ मिनट लेट होने के कारण ही इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि फीमेल्स की रिस्पेक्ट करो, लड़कियों की इज्जत करो, औरतों की इज्जत करो, और उसके बाद उन्होंने ये पूरा ड्रामा शुरू कर दिया। बाद में जब पुलिस आई तो इनके ऊपर कार्रवाई हुई और बहुत सारे धाराएं इनके ऊपर लगाए गए। लगता है इस एडवोकेट मैडम को अपने केस को लड़ने के लिए एक और एडवोकेट को हायर करना पड़ेगा। अभी जो महिला है ये यहीं पे नहीं रुकती है, ये महिला ये भी कहती है कि ये जो बिहारी है जितने बिहारी इनको यहाँ से भगाओ। अब जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ इन्होंने वीडियो में ऐसा ही कहा। इस वाक्य से मैडम क्या डिनोट करना चाहती है कि जितने भी वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है जो कि बिहार से आते हैं उन सबको वहाँ से भगाओ, या फिर जितने भी लोग बिहार से आते हैं वो सब के सब सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, या फिर
जो भी लोग बिहार चाहते हैं वो सब के सब अनपढ़ गवार होते हैं। क्या यह मैडम ये कहना चाहती है? ये जो मैडम है ना, इनको जितनी काउंटिंग नहीं आती होगी ना, प्रोबेबली उससे कई गुना ज्यादा आईएएस आईपीएस अकेले हमारे बिहार से निकल के आते हैं। ये मैडम सिर्फ बिहारियों को गाली ही दे सकती है, हमारे इंटेलिजेंस लेवल को कभी मैच कर ही नहीं सकती है। ये जो वोकिज्म नाम का कीड़ा इनके अंदर आ चुका है, जो कि बहुत ज्यादा तेजी से इनके पूरे शरीर में फैल रहा है, इस वोकिज्म का रिजल्ट बहुत ही ज्यादा नेगेटिव पड़ेगा इनके ऊपर और इनके फैमिली के ऊपर। पता नहीं क्यों, बट मुझे लग रहा है कि कुछ दिनों के बाद इस मैडम के बारे में ये खबर आएगी कि ये मैडम ड्रंक थी, इन्होंने शराब पी रखी थी, इसीलिए इन्होंने अब शब्द कह दिया सिक्योरिटी गार्ड को, और इन्हें अपने जुबान के ऊपर कंट्रोल नहीं था, इसलिए ये कुछ भी बकती चली गई। अब मुझे ऐसा लग रहा है, देखो ये बात कितना सच निकल के आता है। कुछ दिनों पहले ही ऐसा एक और वीडियो नोएडा के एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स से ही बाहर आया था, और उस वीडियो में एक इंसान को देखा जा सकता था कि वो एक महिला को गालियां दे रहा है, अभद्र बातें कर रहा है और बदसलूकी कर रहा था। उस समय पे वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, और उस वीडियो के वायरल होने के साथ ही जितने भी फेमिनिस्ट थे, जितने फेमिनिस्ट, सब के सब बाहर निकल के डिमांड कर रहे थे कि उस बंदे को अरेस्ट करो, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करो, उसको जेल में डालो, उसके साथ ये करो, उसके साथ वो करो। कार्रवाई हुई, जो यूपी गवर्नमेंट थी उसने कार्रवाई की, जो यूपी पुलिस थी उन्होंने कार्रवाई की। बाद में जब छानबीन हुई तो पता चला कि वो सेल्फ क्लेम्ड बीजेपी का नेता था, मतलब बीजेपी उसे नेता नहीं मानती थी, ना उसके पास कोई टिकट था, वो अपने आप को खुद से बीजेपी का एक एमएलए समझता था और अपने कार के ऊपर एमएलए का स्टिकर लगा के घूमता था, उसके पास लग्जरी कार्स भी थे। और यूपी के पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, उसके जितने भी इलीगल प्रॉपर्टीज थे उनके ऊपर बुलडोजर चलाया गया और उसके जो लग्जरी कार्स थे उनको जब्त कर लिया गया। मैंने बहुत सारे से लोगों को देखा है जो ये कहते हैं कि यूपी की जो गवर्नमेंट है वो कॉम्युनल है, वो सिर्फ मुस्लिमों के ऊपर अपने बुलडोजर को चलाती है, उनके ही प्रॉपर्टीज को डिमोलिश करती है। उन सब के लिए मैं ये एग्जांपल दिखाना चाहूंगा कि जिसके बारे में कहा गया कि वो बीजेपी का एक एमएलए है, नेता है, जो कि वो था नहीं, जो कि एक हिंदू था, फिर भी उसके घर के ऊपर बुलडोजर चलाया गया, उसके जो प्रॉपर्टीज थे उस पर बुलडोजर चलाया गया, उसको गिरफ्तार किया गया, ढूंढ के गिरफ्तार किया गया। अब बात करते हैं उन फेमिनिस्ट की जिन्होंने श्रीकांत त्यागी के समय पे बहुत ज़्यादा हल्ला मचाया था, हर जगह पे हल्ला मचाया गया, लेकिन इस समय पे वो फेमिनिस्ट कहाँ है? और जब एक महिला सिक्योरिटी गार्ड को गालियाँ दे रही है, बहुत ज़्यादा अभद्र बातें कह रही है, उसको थप्पड़ तक मारने की कोशिश कर रही है, उसको कॉलर से घसीट रही है, तब वो फेमिनिस्ट कहाँ गए? तब कहाँ गया उनका ये जो फेमिनिज्म का कीड़ा है वो? श्रीकांत त्यागी के टाइम पे जो लड़कियाँ ये कह रही थी कि इक्वल राइट्स फॉर वुमेन, क्या वो फेमिनिस्ट अभी कहेंगी इक्वल राइट्स फॉर मेन टू? नहीं कहेंगी। मैं दाद देता हूँ सिक्योरिटी गार्ड के पेशेंस की, जिसने इतना ज़्यादा पेशेंस दिखाया, नहीं तो वो चाहता तो कभी भी दो चार थप्पड़ उस महिला को धर सकता था और वो महिला वहीं पे गिर जाती, उठते भी नहीं प्रोबेबली, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड का जो हाथ होता है ना वो हार्ड काम करते करते बहुत हार्ड हो जाता है, तो एक दो झापड़ अगर उस महिला को पड़ जाता तो वो दोबारा उठ नहीं पाती। लेकिन उस सिक्योरिटी गार्ड ने अपना पेशेंस दिखाया, कितनी गालियाँ दी उस सिक्योरिटी गार्ड को, ये भी कहा कि तुम सब बिहारी, तुम सबको यहाँ से निकालो, जितने बिहारी उन सबको यहाँ से निकालो। बात स्टेट तक पहुंच गई, स्टेट के नाम पे भी गालियां दी गई, फिर भी सिक्योरिटी गार्ड ने हाथ तक नहीं उठाया। प्रोबेबली मैं या आप अगर उस जगह पे होते, उस सिक्योरिटी गार्ड के जगह पे होते, तो हमसे सहन नहीं हो पाता, हम लोग इतना पेशेंस नहीं दिखा पाते। आजकल जो वोकिज्म है ना, ये कुछ ज्यादा ही हद तक बढ़ चुका है। लोग अपने आप को एजुकेटेड दिखाने के चक्कर में, लोग अपने आप को जागरूक दिखाने के चक्कर में ऐसे काम अक्सर करते हैं, बट इसका सॉल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम्स तो हम लोग हमेशा देखते हैं, आए दिन हमें देखने को मिलता है, कहीं पे किसी लड़की ने किसी ऑटो ड्राइवर को थप्पड़ पे थप्पड़ मार दिया, कहीं पे कोई अमीर महिला एक सिक्योरिटी गार्ड को गालियां दे रही है, और ये तो केसेस हमारे सामने आ गए जिसके वीडियो रिकॉर्डिंग्स उपलब्ध थे, जो इंटरनेट पे वायरल हुआ वो हमें पता चला। न जाने ऐसे कितने सारे केसेस दर्ज होते हैं, न जाने ऐसे कितने केसेस दब के रह जाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड मुंह नहीं खोलता ये सोच के कि मेरी नौकरी चली जाएगी, जिसके कारण ना वो अपना पेट पाल पाएगा ना अपने बच्चों का पेट पाल पाएगा। क्या ऐसे टॉक्सिक लोगों को अपने बिल्डिंग में जगह देनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशंस के ऊपर, कैसे इसको खत्म किया जा सकता है, ये कि जो वोकिज्म है इसको कैसे खत्म किया जाए। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, और वो है अपने धर्म से जुड़ना, अपने कल्चर से जुड़ना, जो हमें ये सिखाता है कोई भी हो, बड़ा हो, छोटा हो, इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो, कोई भी हो, सबके साथ इक्वली ट्रीट करना चाहिए। और इसके लिए लोगों को कल्चरल एजुकेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को धर्म से जोड़ कर रखें, अपने कल्चर से जोड़ कर रखें, अपने बच्चों को भागवत गीता का पाठ दें, अपने बच्चों को हमारे जो वेद हैं, पुराण हैं, उनके नॉलेज दें, क्योंकि कोई भी इंसान जो कि धार्मिक हो, जो कि कल्चरल हो, वो कभी भी कोई भी गलत काम नहीं कर सकता है, क्योंकि सनातन धर्म हमें जीने की राह दिखाता है, अपने ज़िंदगी को कैसे जीना है वो सिखाता है। बाकी इस पूरे इंसिडेंट के ऊपर जो भी उस महिला ने सिक्योरिटी गार्ड के साथ किया, जो भी उस महिला ने बिहारी लोगों के लिए कहा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।